क्या बोलने चाह रहा बताओ गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आप कैसे हो आज? तो गाइज मेरे साथ मेरे पापा भी आ रखे हैं और आज हम दो चेकअप के लिए जा रहे हैं। क्या हम 14 दिन बाद चेकअप के लिए जा रहे हैं और देखते हैं क्या होता है, क्या बोलते हैं डॉक्टर जी हमारे। तो कैसे लग रहा है बोलो थोड़ा जोर का। अच्छा लगता है जब अच्छा होता तो अच्छा लगता है। अच्छा, पर आप हमें ये बताइए कि आप इसके बाद कहाँ जाओगे? घर जाओगे या कि इधर ही रहोगे? अभी हैं देखेंगे बाद में देखेंगे। पर मेरे डैडी जी डॉक्टर को मिठाई देना चाहते हैं तो हमें आज एक डब्बा मिठाई ले लेते हैं, छोटा सा डब्बा। पापा की तरफ से डॉक्टर साहब के लिए मिठाई लेके जा रहे हैं क्योंकि पापा कह रहे हैं यार उनके लिए थोड़ी मिठाई लेके चलते हैं क्योंकि मैं अब अपने पैरों में चलने लगा हूँ, तो वो उस वजह से डॉक्टर के लिए मिठाई लेके जा रहे हैं। सही है यार। मिठाई भी ले चुके हैं और अब चलते हैं इंग्लिश हॉस्पिटल और चेकअप शुरू करते हैं और सर को सरप्राइज देते हैं। हमने क्या लेके आ रखे, सरप्राइज मिलेगा सर को, सरप्राइज। डॉक्टर से चेकअप करके आते हैं और उसके बाद आपको मिलते हैं, थोड़ा चेकअप चुकअप करवा के आज आते हैं तब मिलते हैं आपको। अभी तो मैं हॉस्पिटल ही में हूँ, अभी तो आज तो इनके सिर्फ टांके कटने वाले हैं, प्लास्टर तो लगा रहेगा। उस प्लास्टर के लिए बोल रहे हैं सर कि 3 हफ्ते बाद कटेंगे प्लास्टर, तब तक तो प्लास्टर भी नहीं कटने वाले, देखते हैं तब तक 3 में। और आज के साथ में भी तो सर भी बहुत खुश होगी। अरे मिठाई की क्या ज़रूरत थी सर, मिठाई की ज़रूरत होती है, जब इंसान खुश होता है तो खुशी बांटना चाहिए, समझ रहे? इसलिए बोलता हूँ औरों की खुशी नहीं अपनी खुशी है। अरे ना, दो पीस है, दो पीस बर्फी, कितनी कैसी? हाँ ले लें 100 ग्राम। और अभी बर्फी भी लेने पड़ रही है। हाँ जी डैडी जी, कने एक देखे एक पहले। कौन रेड सुने तो सुने तो एक देखते एक चुटे कने एक देखे एक ठीक है। कनेश बोल हेलो गाइस, कनेश बोल एक चुट। हाँ और बोल एक चुट, एक चुट। हाँ हाँ बोल एक चुट तो बोले, एक बोल हेलो। अरे एक चुट होता तो बोले। अरे एक चुट कैसे चल रही थी? डॉक्टर के होश उड़ चुके हैं आज। नाना को देखे हैं? नाना को देखे कि ये बंदा चलने लग गया। चला के तो कल कैसे चला है? चला मजा है। ओह माय गॉड गाइस, ये आज बस को क्या हो गया है गाइस, आगे से देख सकते हो इंजन गायब कर लिया है बस को, पूरा सारा कूड़ा इधर जाता है, देख सकते हो आप अंदर पूरा फड़ा पड़ा है ऊपर। यहाँ पर भी दिल्ली की तरह एक पहाड़ बढ़ने वाला है बहुत जल्दी अगर इसे साफ नहीं किया गया, जिस वजह से यहाँ की जमीन का रेट बहुत सस्ता है। बट आज की डेट में इधर कौन जमीन लेगा यार? हाँ हाँ, यहाँ की जमीन का रेट बहुत सस्ता। चल चुके हैं नाना, देख सकते हो चल चुके हैं। हाँ।
गाइस अभी हम छत पे आए हैं, मैं और गोलू भैया, देख सकते हो आप यहाँ पे चाय पी रहे हैं, मैं तो चाय नहीं पीता। तो गोलू भैया चाय पी, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा भाई, पहाड़ी की शान है चाय पीना, तो हम पहाड़ी है तो हम चाय पीते हैं। अरे भाई ना पहाड़ी ज़्यादा पीते हैं चाय, मतलब जैसे गाँव में लोग कच्ची पीते हैं, हम उसी तरह होंगे कच्ची, तो हम अरे कच्ची हम पीते नहीं, हम वो पीते हैं चाय। अच्छा शाम हो चुकी है और हम यहाँ बैठे हैं। आज मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर हमारे देश के जवान चाइना वालों की ऐसी धुनाई कर रहे कि उनको हमेशा अपनी नानी याद आएगी। बस परे हो जो। ठीक है, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर हो सकता है तो शेयर कर देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।